नमस्कार, मैं शिवानी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। कोरोना के बढ़ते मामलों की रोकथाम को लेकर प्रशासन लगातार प्रयास में जुटा है। लोगों में जागरूकता लाने के लिए आज बुढ़ार थाने में बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें स्थानीय व्यापारियों सहित विभिन्न लोगों ने हिस्सा लिया। प्रशासनिक अधिकारियों की मौजूदगी में बुढ़ार थाने में आयोजित इस बैठक में बुढ़ार नगर के जनप्रतिनिधियों सहित व्यापारी भी शामिल हुए। बैठक में SDM ने कहा कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं, इससे बचाव के लिए हर व्यक्ति को जागरूक होना होगा। मास्क लगाने से लेकर सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी सुनिश्चित करना होगा। वहीं मास्क ना लगाने पर ₹200 जुर्माने का भी प्रावधान रखा गया है। शहडोल से अविनाश शर्मा की रिपोर्ट, देखते रहिए द खबरदार न्यूज। नमस्कार। ताकि लोगों को जो क्षेत्रीय ब्लॉक लेवल के लोग हैं वो भी सम्मिलित रहे और जागरूक रहे, क्योंकि कोरोना के केसेस फिर से अभी बढ़ रहे हैं कई प्रदेशों में और अपने भी यहाँ मध्य प्रदेश में भी। हालांकि अभी शहडोल में ऐसी कोई चीज नहीं, कि फिर भी जागरूक रहने के लिए ताकि लोग मास्क लगाएं और सोशल डिस्टेंसिंग 2 मीटर की दूरी का पालन करें। जो शॉपकीपर है, दुकानदार है, वो भी प्रयास करें उनकी दुकानें जो लोग हैं मास्क लगाएं, नहीं लगा के आते हैं तो मास्क दें और सोशल डिस्टेंस का पालन कराएं। मुख्य रूप से इसी विषय पर चर्चा हुई, सभी लोग सहमत हैं इसमें। और इसके अलावा जो बिना मास्क के लोग निकलते हैं उस पर पहले ₹100 जुर्माना लगता था, अभी ₹200 जुर्माना किए जाने का तय किया गया है जिला स्तरीय। तो वो हम लोगों ने ये चर्चा की कि लोगों को जागरूक करें और अनाउंसमेंट नगर पालिका धनपुरी बुढ़ार करें ताकि लोग जागरूक रहे और बिना मास्क मिले तो ₹200 के ऊपर जुर्माना लगाया जाए। जमीनी स्तर पर कब से लागू होगा सर ये? लागू हो गया, ये लागू हो चुका है, जिले में लागू हो चुका है। शहडोल में हम ₹200 का चालान कटवाएंगे। हमारी हमारा रिक्वेस्ट है कि लोग घर से निकले तो चार जरूरत वहीं पर निकले, अगर निकलते हैं जरूरी है निकलना तो मास्क लगा के निकले और कोशिश करें कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें। यही एक बचाव है, जब तक वैक्सीन नहीं बनती है तब तक बचाव का सबसे सुरक्षित तरीका है कि हम दूरी बना कर 2 मीटर और मास्क लगाएं।